रहे हैं। हर कंपनी अपना बड़ा स्मार्टफोन से लेके छोटा स्मार्टफोन, बजट स्मार्टफोन तक लॉन्च कर रही है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं एक स्मार्टफोन में जिनको कंसीडर करना चाहिए एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले, आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं अल्फा ब्लैक। दोस्तों, स्मार्टफोन में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका डिस्प्ले। तो अगर आपके फ़ोन का डिस्प्ले अच्छा नहीं है तो आप उसमें कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए उसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होना चाहिए और 6 इंच का मिनिमम डिस्प्ले होना चाहिए। साथ ही साथ 408 PPI होना चाहिए, यानी कि फुल HD स्क्रीन होना चाहिए, ताकि आप ढंग से गेम खेल पाएँ और वीडियोज़ को इन्जॉय कर पाएँ अपने फ़ोन पर। बड़ी डिस्प्ले के साथ साथ उसको पावर देने के लिए बड़ी बैटरी होनी चाहिए। तो अगर आपके फ़ोन में अगर 6 इंच का डिस्प्ले है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, तो उसमें कम से कम दोस्तों 4000 mAh बैटरी होनी चाहिए, ताकि आपको वो अच्छा सा बैटरी स्टैंड बाय टाइम दे पाए और आप लोग ठीक से गेम्स या वीडियोज़ को इन्जॉय कर पाएँ। बैटरी से बात निकल के आती है उसके चार्जिंग की। तो अगर आपकी फ़ोन की बैटरी बड़ी है, यानी 4000 mAh है, तो उसे चार्ज करने में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए फ़ोन में एक फ़ास्ट चार्जिंग नाम का फीचर भी होना चाहिए, जिससे कि आप फ़ोन को जल्दी से जल्दी पूरी तरीके से चार्ज कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, बैटरी के बाद बात आती है उसकी परफॉर्मेंस की। फ़ोन का परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए उसका रैम और चिपसेट का कॉम्बिनेशन अच्छा होना बेटर है। तो अगर आप कोई नया चिपसेट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जो भी नए चिपसेट आ रहे हैं हमारे पास 710 स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के, और या फिर कोई भी नया चिपसेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ मिनिमम मिनिमम दोस्तों 3 GB रैम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि आपको मल्टीटास्किंग में हेल्प कर सके। साथ ही साथ गेम्स और ग्राफिक्स को एंजॉय करने के लिए एड्रीनो 6.2 GPU इज़ ए मस्ट, ताकि आप पबजी वगैरह आराम से खेल पाए। उसके बाद नंबर आता है कैमरा का। दोस्तों, अगर आपको फ़ोटोज़ लेने का शौक़ है, जो कि सबको होता है, और सेल्फीज़ खींचने का तो बहुत लोगों को शौक़ होता है, तो फिर आपको चाहिए एक अच्छा कैमरा फ़ोन। तो अच्छा कैमरा होने के लिए उसमें मिनिमम 13 MP आजकल की रिक्वायरमेंट है बॉस, 13 MP तो उसमें होना ही चाहिए। साथ ही साथ ड्यूअल कैमरा है जिसमें डेप्थ सेंसिंग है, तो आपको एक बोके इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है आपकी फ़ोटोज़ के लिए। तो कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्यूअल कैमरा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सेकंड कैमरा आपको कितने MP की डेप्थ सेंसिंग देता है। जनरली 2 MP इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू रिक्वायर्ड फॉर अ बोके इफेक्ट। लास्ट बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन की। अब आपने पैसे खर्चे हैं, फ़ोन अच्छा महंगा ख़रीदा है, तो वो दिखना भी दोस्तों महंगा चाहिए। तो हाथ में जो फ़ोन अच्छे लगते हैं वो बेसिकली ग्लास बैक वाले फ़ोन होते हैं। तो ग्लास बैक वाले फ़ोन या फिर आजकल जो चल पड़े हैं ड्यूअल डिज़ाइन वाले, जो शाओमी रेडमी नोट 7 निकाल रहा है ग्लॉसी फिनिश के साथ, आप लोग वो ख़रीद सकते हैं। मेटल बैक्स आर आउट ऑफ ट्रेंड नाउ, सो डोंट बाय एनी मेटल बैक फोन। सो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, तब तक स्टे कनेक्टेड।